एबीपीएस न्यूज। संभल जिले में एक समुदाय विशेष पर टिप्पणी करने के मामले में हिंदू जागरण मंच के जिलाध्यक्ष के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। संभल जनपद के तहसील चंदौसी क्षेत्र में फेसबुक पर एक समुदाय के खिलाफ अभद्र टिप्पणी लिखने के आरोप में हिंदू जागरण मंच के जिलाध्यक्ष विवेक नागपुर के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई है। शुक्रवार को नगर पालिका द्वारा गांधी पार्क की चार दीवारी का निर्माण कराने के लिए नींव खुदवाते समय एक समुदाय के लोगों ने विरोध कर दिया था, जिस पर दूसरे समुदाय के लोग इकट्ठा हो गए। दोनों समुदाय के लोग आमने सामने आ गए तथा मारपीट भी होने लगी। आरोप है कि इसके बाद हिंदू जागरण मंच के जिलाध्यक्ष विवेक नागपुर ने फेसबुक पर एक समुदाय के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करके भड़काऊ पोस्ट किया था। इसकी जानकारी होने के बाद दूसरे समुदाय के राजमोहल्ला निवासी शाहरुख खान ने एक तहरीर चंदौसी कोतवाली में दे दी तथा सबूत के तौर पर अभद्र टिप्पणी के स्क्रीनशॉट की फोटो कॉपी भी पुलिस को दे दी। ओमकार यादव सीओ चंदौसी ने विवेक नागपुर के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करने के आदेश दे दिए हैं। इस पोस्ट पर कमेंट करने वालों के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई की जा रही है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शाहरुख खान है। फेसबुक पे जो कमेंट आया था वो क्या है पूरा मामला? फेसबुक पे जो कमेंट आया वो यह मामला है कि राजमहल्ला निवासी विवेक नागपुर पुत्र सुरेश चंद ने इतना आपत्तिजनक पोस्ट डाला, उसमें उन्होंने सीधे सीधे ये लिखा कि हिंदुओं जागो, चंदौसी के हिंदुओं जागो, और हिंदुओं पर हमला हुआ है, हमला करने वाला एक मुसलमान है। ये वाकया उस वक्त का है जब चंदौसी के गांधी पार्क में कुछ विवाद चल रहा था। इसके खिलाफ जो मैंने कंप्लेंट दी है वो इस बात को मद्देनज़र दी है कि इसके इस विवेक नागपुर के इस पोस्ट से इस शहर की फिज़ा ख़राब होने का ख़तरा है और मुस्लिमों में उस बात के प्रति भारी आक्रोश है। उसमें और क्या लिखा था कमेंट में? उसमें उसके जितने भी फ्रेंड लिस्ट में जितने भी साथी हैं उन्होंने मुस्लिम समाज को बिल्कुल सीधे तौर पर गंदी गंदी गाली और बहुत ही आपत्तिजनक शब्द कहे हैं। इसमें आपने कोई मुकदमा कराया है? हाँ, मैंने इसमें कोतवाल साहब को, थाना प्रभारी को चंदौसी को तहरीर दी है जिसमें उन्होंने उचित कार्रवाई करने का जो है मुझे आश्वासन दिया है और वो उस पर उचित कार्रवाई कर भी रहे। इसमें FIR दर्ज की छाया प्रति सुबह को मुझे उम्मीद है कि मिल जाएगी जब मैं उनसे इस बारे में चर्चा करूँगा। क्षेत्र में फेसबुक पे कमेंट हुआ है जो कि हिंदू जागरण मंच के जो जिलाध्यक्ष हैं विवेक नागपुर, उन्होंने किया है, तो वो पूरा मामला क्या है, उसमें क्या कार्रवाई की गई है? इस संबंध में थाना चंदौसी पर एक तहरीर दी गई है जिसके आधार पर अभियोग पंजीकृत किया गया है और इसमें विवेचना की जा रही है। विवेचना में ये तथ्य का पता लगाया जाएगा कि चूंकि IT एक्ट से संबंधित प्रकरण है कि ये पोस्ट किसने की है, किससे लिंक हो रही है, और जो साक्ष्य पाए जाएंगे उसके हिसाब से जिसने भी किया होगा उसको तुरंत कर। ये फेसबुक पर जो एक मुस्लिम समुदाय को लेकर कमेंट आया है उसमें क्या संदेश देंगे आप? देखिए, कमेंट करने वाले जो लोग होते हैं वो चंद लोग ऐसे होते हैं जो माहौल को ख़राब करना चाहते हैं, और मैं तो उनसे भी सिर्फ एक ही बात ये कहूँगा कि भाई आंधियाँ बन के चिरागों को बुझाने वालों तुम कहाँ जाओगे कल दुनिया में अंधेरा करके। मकसद सिर्फ ये है कि मैं ये आवाम से दर्द मंदाना गुजारिश ये है कि वो ऐसे लोगों की बातों में ना आए, ऐसे कमेंट्स को देखें, बल्कि उसको फॉरवर्ड भी ना करें, उसको निकाल दें, क्योंकि हमारा शहर, खासकर चंदौसी शहर जो है वो बड़ी अमन पसंदी का शहर है। आज तक यहाँ कभी कोई इस तरह की बात नहीं हुई है, सब लोग भाईचारे से रहते हैं। ये शहर का माहौल को ख़राब करने के दो चार लोग हैं जो माहौल को ख़राब करना चाहते हैं। मेरी उनसे भी ये गुजारिश है कि वो इस तरह के कमेंट ना करें और आवाम को शांति से ही रहने दें। शांति से रहने में उनका भी फ़ायदा है, हमारा भी फ़ायदा है, और देश की तरक्की के लिए बड़ा अहम रोल है। भाई मेरी सबसे फिर एक बार गुजारिश है कि वो अब इस तरह की बातों में ना आए और शांति बनाए रखें, आपस में इत्तफाक और इत्तेहाद से रखें, और जिस तरह से चंदौसी का नाम चांदसी थी उसको चांदसी को चांदसी ही रहने दें।